ये लोहे वाला है, बॉडी के ऊपर मारेंगे तो ये निशान डाल देगा। यहाँ पर भैया डेमो दे रहे हैं भाई कार के ऊपर। अब भैया आप ये बताइएगा कि आपने इसके ऊपर क्या इंस्टॉल किया है, क्या थोड़ा सा इसमें ये देख रहा है, ये इंसेंट सेल्फ फिलिंग है, ये सेल्फ फिलिंग है, ये इस पे हम हीटिंग मारेंगे ना अभी, हाँ ये भी रिमूव हो जाएगा, ये सनलाइट की हीटिंग में जाके रिमूव होएगा। ओके, और ये वाला अपना तुरंत हील हो जाएगा। वीडियो डिटेल्ड हो जाएगी, काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन इन्फॉर्मेटिव बहुत होने वाली है। ठीक है, और अपनी ना हल्की सी फोल्डिंग दे देना, फोल्डिंग के लिए। और ये वो है सेल्फ फिलिंग है इसकी मात्र। ये क्वालिटी आपने भी खींच पाड़ के सेल्फ फिलिंग प्रॉपरली सब चेक कर रहे हो, पर आप किसी से पैसा दे रहे हो कोई चीज। यार दिल्ली में ये लग गई। तो भाई अपनी कार जो है आ गई है पीपीएफ के लिए। कहाँ, कैसे, कितने की, ये तो सब कुछ होने के बाद ही पता लगेगा। ये चल रही है इसकी वॉशिंग अभी। तो ये लिखा भी होगा इसके ऊपर। ठीक है, अब मैं आपको इसके बारे में, आपको लेके आना भाई। USA PPU भैया दे रहे हैं अभी डेमो। यहाँ पे आपको सॉल्व नजर आएंगे, यहाँ पे सॉल्व मारेंगे अभी कुछ देर में हील हो जाएंगे। ये देखो चले गए, इसके ऊपर देखो, ये देखना अभी इसके ऊपर रह जाएंगे और इसको हील हो जाएंगे। इसमें ये देख रहा है, ये इंसेंट सेल्फ फिलिंग है, ये सेल्फ फिलिंग है, ये इस पे हम हीटिंग मारेंगे ना अभी, हाँ ये भी रिमूव हो जाएगा, ये सनलाइट की हीटिंग में जाके रिमूव होएगा। ओके, और ये वाला अपना तुरंत हील हो जाएगा। हम कपड़ा मारते हैं जब भी, आप हाथ में पकड़ के देखिए, हाँ ब्रश जो होती है कपड़े में उससे ज्यादा तो हैवी नहीं होती है, ये लोहे का ब्रश है ये वाला, लेकिन वो सैंड से भी हो जाता है। हाँ जो आपके सामने ये सेल्फ हीलिंग मैंने लगाया था नीचे, जो भी मैंने फिर दोबारा ये इंस्टेंट हीलिंग लगाया है। चले गए, हाँ हो गया। अब एक बार आप हाथ लगाइए, इससे ज्यादा गर्म गाड़ी अपनी सनलाइट की हीटिंग में हो जाती है। हाँ बिल्कुल, तो आप मान सकते हो कि सनलाइट की हीटिंग से ये रिमूव हो सकते हैं। हाँ ये रिमूव, कोई प्लस माइनस का स्क्रैचेस आ गया तो वो नहीं जाएगा इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर तो आने का नहीं है जल्दी से, ये इस पे भी नहीं आएगा बेशक इतनी जल्दी, इतनी तेज मार रहा हूँ कि कटर के ये निशान आ रहे हैं। ठीक है, बिना कपड़ा मारा कटर घिस गया है नीचे से, पर इसके ऊपर निशान नहीं आया। ये भी है हमारा पीपीएफ, पर ये वो है सेल्फ फिलिंग है, इसकी मात्रा थोड़ी कम है, इसमें वो चीज नहीं है। साफ हो जाएगा ये भी, पर हल्का थोड़ा बहुत निशान रह जाएगा, और इसके ऊपर आपका कुछ भी नहीं आ रहा है। ये कौन सा है अपना? ये इंस्टेंट हीलिंग है, जो आपको मैंने स्टार्टिंग दिखाया था, टीपीयू यूएसए ब्रांड है। यूएसए ब्रांड? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये आपके सामने कोई निशान नहीं आ रहा। तो ऐसे कोई ब्रांड का नाम नहीं है इस पे? ब्रांड का नाम भी आपको पता है क्या है, जो भी आप कोई भी ब्रांड लोगे ना, जब ब्रांडिंग का लोगो हो जाता है अपने पास में, ब्लैंक बॉक्सिंग में आते हैं रोल। अब मैं इनको प्रॉपर ब्रांडिंग के साथ लूंगा तो इनके जो प्राइसिंग है ना ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। आप किसी भी गरवारे का ले लीजिए, गरवारे का मैं आपकी कार का समथिंग करके दूंगा तो 95 या 90 के आसपास करके दूंगा प्रीमियम। अच्छा। उसमें आपको इंस्टेंट हीलिंग नहीं मिलेगी, आप ये चीज नहीं मिलेगी उसमें। हाँ, इंस्टेंट हीलिंग नहीं मिलेगी, सेल्फ हीलिंग होगा ये वाली है। हाँ ये वाला होगा। ओके, अब वही है, कोई भी चीज ब्रांड के ऊपर जाते हैं तो ब्रांडिंग का मैम रेट बढ़ता ही बढ़ता है। और रिजल्ट ये है, ये तो इजली एकदम साफ हो जा रहा है। भाई लोगों ने काम जो है स्टार्ट कर दिया है,
इधर जो पूजा कराई थी अभी वो हटा रहे हैं, और कुछ इस तरीके का भी पेंट है अपनी कार का। यहाँ पर भैया रिमूव कर रहे हैं वाइपर, और ये पीछे जो कैमरा वाला पार्ट था इसको कर दिया है, और ये हैंडल्स निकाल दिए हैं, डोर हैंडल्स। वीडियो डिटेल्ड हो जाएगी, काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन इन्फॉर्मेटिव बहुत होने वाली है, क्योंकि आप जानते हो कि मैं कार को लेके कितना ज़्यादा सेंसिटिव हूँ। बहुत सारी बातें अभी अपन लोग करेंगे बैठ के। देखो सारे पैनल्स वगैरह रिमूव कर दिए हैं इसमें, पूरी गाड़ी का एक एक पैनल निकाल रहे हैं। और यार एलॉय लग के यार एक अलग ही लुक आ रहा है। माउंट यूज़ करते हैं ये भी भैया, हम 3M का ही यूज़ करते हैं। okay. आपने अंदर देखा जो जनरल पर्पज़ क्लीनर क्लीनिंग के लिए जो मैंने दिखाया था वो भी 3M का, और ये भी 3M का ही है। ये सारे प्रोडक्ट पहले अपन ने यूज़ कर रखे हैं, और आपने भी मार्केट में देखा होगा इनका एक मैकोवार्स और 3M काफ़ी पुराने टाइम से होंगे। सही बात है, मतलब ऐसा नहीं है कोई भी लोकल अपना प्रोडक्ट ले लिया और लगा दिया। इसमें हमें पता नहीं है वो कितना पैंट को काट सकता है। सही बात है, ये जो लग गई थी ना गाड़ी उसको भी अभी रिमूव कर रहे हैं, और काफ़ी हद तक वो रिमूव भी हो गया है, लेकिन ये देखो पेंट छूट गया गाड़ी का। अभी जो आप देखिए आपकी कार में यहाँ पे थोड़ा डीप स्क्रैचेस है, सेम यहाँ पे भी है और ये भी है। अभी हम इसको ना सैंडिंग करके निकालने की कोशिश करते हैं। तो नहीं जा पाया भैया, पर 50% आपका चले गया पता है, जो ये पूरा निकल जाएगा, ये वाला पूरा निकल जाएगा। पेपर नहीं होता उस तरीके का है, वो इन्हीं काम के लिए बना हुआ है। ये चले गया पूरा। ये भैया निकाल दी ऊपर वाली लेयर, और उसके बाद में अभी शेप बना रहे हैं भैया।
अपनी कार में PPF इंस्टॉलेशन की जो प्रोसेस है स्टार्ट हो गई है। अभी भैया एक एक करके स्टेप्स ले रहे हैं। ये लिखा है PPUSA। अब भाई लोग कर रहे हैं डीप क्लीनिंग रूम पर, जैसे ये छोटे छोटे स्पॉट्स वगैरह हैं शैम्पू से वॉश कर रहे हैं। जैसे इधर ये लॉक वगैरह ब्रश, सबसे पहले तो कर रहे हैं भैया रूफ पर, ये देखो। इसमें आप ये ग्लास पर भी कर रहे हैं? अच्छा, हमारा तो काम है डेली का, लगे रहते हैं इस तरीके से। इसमें अंदर शैम्पू लगाते भी है? ये एल्कोइल है, क्या होगा जो ओरिजिनल होगा वो रिमूव हो जाएगा। अच्छा, लॉक हो जाएगा। कोने देख लियो नीचे से, थोड़ा बाहर फोड़ के पकड़े को भाई, एक बार खोलना। चलो ऊपर से भैया शैम्पू का पानी डालते हैं? शैम्पू नहीं, नहीं नहीं, ऊपर से, ऊपर से, ताकि स्कूजी से कोई निशान निशान ना पड़े और स्कूजी में सीधी चले। ठीक, इधर भी है जो वो डेंट अभी पड़ गया था निकाल दिया उसको, हम उनका सही पेंट कर लीजिए। मतलब इसमें कहीं भी पेंटेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी? फिनिशिंग एक एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखते हैं, और भैया का कहना है फाइनल हो जाए उसके बाद देखना फिनिशिंग। ऐसी बड़ी कार में भैया कितना लगभग मीटर लग जाता होगा? एक आपकी कार में पूरा एक 15 मीटर का रोड पूरा लग जाता है स्कॉर्पियो वन में। इसी साइज की लगभग सफारी, हैरियर, हेक्टर, हाँ, ये जितनी भी SUV है आपकी इनोवा तक लेके, हाँ हाँ, में पूरा ही एक रोल पूरा लग जाता है। एक रोल लग जाता है, 15 मीटर आता है एक रोल में ना? ओके, 250 square feet। कुछ PPF जो होते हैं वो येलो पड़ जाते हैं? येलो सारे PPF पड़ते हैं भैया, ऐसा कोई सा PPF नहीं है जो येलो नहीं पड़ेगा। अच्छा, डार्क कलर पे फील नहीं होता और वाइट कलर पे फील हो जाता है। वाइट कलर पे फील हो जाता है, कोई भी कितना भी महंगा हो, कितना भी महंगा हो। ओके, वाइट कलर को हम पहले ही बोलते करते हैं। PPF कराना तो एक अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन प्रेफर किस पे आप करेंगे? वाइट अगर जैसे कलर रहता है तो वाइट कलर पे। देखो मैं तो सजेस्ट आपको करूंगा नहीं, आप अच्छा, ज्यादा क्राउड वाले एरिया में जाते हो, हाँ, आपने डर है कि गाड़ी आप बाहर खड़ी करते हो, घर के डॉग्स वगैरह चढ़ते हैं, हाँ, तो आप वाइट पे भी फिर तो कराना बनता है। ये बात है, ये पंजे काफी नाखून हैवी होते हैं, हाँ हाँ, लेंस के निशान आ जाते हैं। अच्छा अच्छा, इस चीज को लेकर वाइट कलर काम करवा सकते हो। तो वैसे हम लोग आपसे पहले ही ये बोल के चलते हैं कि एक साल में पल दिखना लग जाएगा वाइट कलर। ये बात है, तो इस पे जैसे डार्क कलर जैसे ब्लैक हो गया या फिर ब्लू रेड जितने भी डार्क एडिशन है, हाँ, प्लीज इंसर्ट करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। PPF कराने पर वेदर का भी इफेक्ट पड़ता है? मतलब
कैसे समझेंगे? जैसे विंटर में करा रहे हैं तो उसको मतलब सूखने में टाइम वगैरह, अभी के दौर में क्या है कि आपका जो छोटा मोटा बबल्स रह जाता है जो 24 घंटे में सुबह तक रिमूव हो जाएगा। हाँ, ठंड में ये है कि वो थोड़ा डबल टाइमिंग देता है। ये बात है, टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है मेरे लिए। अच्छा, जैसे इसमें एसेसरीज वगैरह ऐड ऑन होंगी तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं नहीं, पीपीएफ कभी भी कराते हो, कोई भी कार हो, ब्रांड न्यू शोरूम से लेते के साथ ही पहला काम पीपीएफ, उसके बाद में एक्सेसरीज लगवाइए। अब क्या होता है कि जैसे यहाँ की क्रोम वगैरह ये लगती है, तो अब भी क्रोम यहाँ तक आ जाएगी। हाँ, अब उसको वो क्रोम पतली सी होती है, उसको छुड़ाने में बहुत सी बार टूट भी जाती है, तो हम यही चाहते हैं कि पहले पीपीएफ हो जाए, पीपीएफ के ऊपर लग जाए। बहुत सी बार क्या करते हैं वो लोग जो ये नॉर्मली क्रोम वगैरह लगाते हैं, तो नॉलेज तो इतनी होती नहीं है, बैगी ट्यूब घेर देते हैं। अभी मेरे पास पिछले वीक एक गाड़ी आई थी नोएडा से, उनके जो ये मतलब ये लगा रखे थे ना सेफ्टी वाले, वो चिपका नहीं अच्छी तरीके से, उस भाई साहब ने फैबी ट्यूब लगा दी, और मेरे को पीपीएफ लगाने के लिए उसको उतारना पड़ा ना, तो वहाँ पे डैमेज कर रखा था। या तो ग्लू छूट जाएगा या टूट जाएगा या कलर निकल आएगा, वो तो निकालना होगा तो पैंट के साथ ही निकलेगा, उनने पूरे में वो डाल रखा था। तो इसलिए हम यही कहते हैं पीपीएफ के बाद में कुछ लगाते भी हो तो ये है कि बॉडी के ऊपर निशान नहीं पड़ेगा, पीपीएफ थोड़ा बहुत आपका झेल सकता है उस चीज को लेकर, इसके ऊपर पानी नहीं टकेगा फिर ना। इसी आपस में भी नहीं चिपकती ना? चिपक जाती है आपस में, तो जब तक पानी नहीं शैम्पू नहीं लगेगा तो चिपक जाएगा। हाँ, तभी वही बता रहा हूँ। अभी इस वाले पैनल पर नीचे से पकड़ना, ठीक है, और अपनी ना अभी किसी फोल्डिंग दे देना, फोल्डिंग के लिए ठीक है। कराने का सोचा हूँ ना, तो गाड़ी पहले लो और के साथ ही पीपीएफ का, अपने पास गाड़ी आती है जिन्होंने एक बार पहले पीपीएफ करा लिया है तो उनको पता लग गया है कि पहला काम पीपीएफ ही होने वाले गाड़ी के ऊपर, डार्क कलर दे लिया तो कपड़ा मारने पे भी उसके निशानी आते ही आते। हाँ, कपड़े मारने पे भी निशान आते हैं। अभी बोनट साफ कर रहे हैं भैया, ये एजेस पर हेड गन इसको लॉक कर रहे हैं, देखो इस तरीके से। ये कपड़ों के स्क्रैचेस है ना भैया, ये जो आपको इंडिया के अंदर कोई प्लास्टिक में या शोरूम से लेके आओगे ना उसके अंदर ऐसा ना मिले, और वही है वाइट कलर में दिखते नहीं है, वाइट कलर में लाइट कलर में नहीं दिखेंगे। ये देखो इसमें ये अपन ने कितने mm लगाई है, 190 mm। डीप क्लीनिंग, फुल साइज बोनट पर
एक मिनट रुकना भैया। ये जैसे अंदर शैम्पू रहता है तो इसके स्पॉट वगैरह नहीं पड़ते, ये निकाल देते हैं अब ना। ये स्पूजी ये पूरी काम करती है। अच्छा सारा पानी बोनट बड़ा पार्ट होता है। और इधर ये रियर में कर रहे हैं भैया, आगे पीछे दोनों तरफ काम चल रहा है भाई। इधर ये साइड में तो हो गई, रूफ भी हो गई। लगभग शाम के 6 बजे से काम स्टार्ट हो गया था और लगभग 11 बज गए हैं। 6-7 घंटे लगते हैं आपको? हाँ वो तो शिफ्ट करने के लिए हम 5 घंटे भी कर सकते हैं आपके सामने रिलैक्स फील होके भैया काम कर रहे हैं। सुबह लाइए शाम को ले जाइए। हाँ, ये नहीं है 2 दिन रखो 3 दिन रखो, सही है। कस्टमर चाहे अपनी आंखों के सामने कराए। हाँ, बिल्कुल ही भैया फुल सेटिस्फेक्शन के साथ में। प्लस पॉइंट यही है कि बैठो आराम से, सुबह लेके आओ 10 बजे आ जाओ, शाम को 7-8 बजे तक फाइनल कर देंगे। और करते भी हैं, हमारे पास अपार्टमेंट्स पे ही काम आता है अपना, जो भी आपका डे खाली है आ जाओ आप हमारे पास। काम होते होते भाई 12:45 हो गए और ये AM वाले हैं भाई, रात वाले, अभी भी काम चल रहा है, फिर रात हो गई। ऑलमोस्ट हमारी कार जो है तैयार है, सभी भाई लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। काफ़ी डीप मैं इसमें देख रहा हूँ, लेकिन भाई की फिनिशिंग अल्टीमेट लेवल की, और बबल तो मुझे दिख ही नहीं रहे। यहाँ पर मैंने भाई को बोला कि आप ये टेल लाइट भी निकालोगे, तो उन्होंने कहा कि आप फिनिशिंग देखना, और वाकई में एकदम एक्यूरेट। बोनट देखो कितना शानदार, ये एक दो बबल सी है बस, उनको आप निकाल ही दोगे जिस तरीके से। एक माइनस प्लस का निशान नहीं दिखा होगा आपको? हाँ वो निशान नहीं दिख रहा है, जो स्क्रैचेस जो राउंड वाले जो लगे थे ना। ये जो पानी आने के निशान रह जाते हैं धोने के बाद में, और एक भैया इधर ये पॉलिश लगा रहे हैं, और रिजल्ट ये है देखो।
ये तो इसलिए एकदम साफ हो जा रहा है एक ही बार में। कौन सी पॉलिसी है भैया? ये रही वाटरलेस वॉश एंड मैक्स। कितने की आती है? 800 की है। ये स्क्रीन गार्ड और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर गार्ड जो है मैंने अमेज़ोन से ऑनलाइन मंगाया था भैया से, इंस्टॉल करा ले रहा हूँ। बबल निकले या नहीं निकले? अभी मैं छुड़ाऊ इस बंदी को ताकि एक बार सुबह हुआ बाद में इसकी जो इज्जत है ना इनका उंगली मारते ना ये तो छूट जाएगा। स्कूजी लेके आना, स्कूजी लेके आओ और आईपी लेके आओ मैडम। ना ना क्लीनिंग के लिए मंगवाया था भाई मैंने। पीपीएफ होने के बाद में क्लोज लुक में देता हूँ डिटेल। ये देखो बबल ना के बराबर है 0.01%। ये फ्रंट से लुक, ये फेंडर, वो RBM एंड यहाँ तक कि यहाँ से एंट्री लेते हैं यहाँ पर ये शूज़ वगैरह लग जाते हैं। यहाँ पर भी भैया ने कवर किया। ये साइड में रियर से लुक, क्लोजर शॉट देता हूँ। ये पूरा हैंडल वगैरह भैया ने निकाल दिया था प्रॉपर, इसके अंदर भी है। तो भाई अपनी कार की पीपीएफ जो है कंप्लीट हो गई है और फिट एंड फिनिशिंग जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। अब मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा सोनू भैया को जिन्होंने पीपीएफ की इस पर इंस्टॉल की। नमस्कार एंड जी। इनकी टीम ने इस पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत की और अभी रात के 2:30 बज रहे हैं और भैया रात में भी लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। थैंक यू भैया। और मैं इनको बाद में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जब मुझे इनका काम पसंद आया तब, अगर नहीं आता तो नहीं करता। अब भैया आप ये बताइएगा कि आपने इसके ऊपर क्या इंस्टॉल किया है, क्या थोड़ा सा? बिल्कुल, इसके ऊपर हमने TPU अल्ट्रा हाई ग्लो सेल्फ हीलिंग PPF तो लगाया ही है, प्लस ये इंस्टेंट हीलिंग PPF है। जैसे आपने कभी नोट किया हो हम गाड़ी के ऊपर कपड़ा मारते हैं तो राउंड राउंड सॉल्स आ जाते हैं जो सनलाइट की हीटिंग में जाते हैं सेल्फ हीलिंग PPF में, और ये इंस्टेंट हीलिंग PPF है तो इसके ऊपर जो सॉल्स आएगा ना तुरंत हील हो जाएगा। मैं बाकायदा आपको डेमो के साथ भी आपको तो दिखाया भी था और एक बार मैं वीडियो में फिर से दिखाना चाहता हूँ। बिल्कुल, लेके आना ये, आपको कैमरा पास करना होगा एक बार के लिए। आप यहाँ देखिए कोई सॉल्स नहीं है, ये मैंने ब्रश मारा है, काफ़ी हैवी है ये, लोहे का है। अब आप देखिए सॉल्स इसमें आपको दिख रहे हैं, थोड़ा सा दूर करके पास कीजिए, यहाँ पे दिख भी नहीं रहा है। पहली बात तो सॉल्स यहाँ आपको कहाँ प्रॉपर दिख रहा है? कहीं भी करिएगा, इधर दिख रहा है ये, ये लाइट के पास, लाइट के पास दिखेगा, ये लाइट है ना यहाँ। ठीक, यहाँ पर भैया डेमो दे रहे हैं भाई कार के ऊपर। अभी हमने इसके ऊपर PPF की एप्लीकेशन पूरा कम्प्लीट किया है, इसके ऊपर मैं भैया के सामने सॉल्स ये मार रहा हूँ बट आ तो रहे हैं पर तुरंत हील हो रहे हैं, ये देखिए अब। हाँ बिल्कुल, और नॉर्मल जो मैंने आपको सेल्फ हीलिंग PPF दिखाया था उसके ऊपर कोई हीलिंग की मात्रा नहीं थी इतनी, बट उस पर क्या है कि सनलाइट की हीटिंग से जाएगा और इसके ऊपर तुरंत आपका निकल जाता है। और ये ब्रश, ये लोहे वाला है, बॉडी के ऊपर मारेंगे तो ये निशान डाल देगा। बिल्कुल डाल देगा। और फिनिशिंग आपके सामने है प्रॉपर, पूरी गाड़ी पे टकिंग करके हमने PPF किया है, कहीं पे कटिंग भी नहीं है, हर पैनल हमने वन पीस लिया है। आगे का बम्पर भी आप देख सकते हो काफ़ी कर्व वाला होता है जो अच्छे से फिनिशिंग नहीं बैठ पाती है, इसमें भी आपको कहीं से देख के फील भी नहीं होगा कि हमने इसके ऊपर पेंट प्रोटेक्शन फिल्म PPF की एप्लीकेशन का काम किया है। और ऑलमोस्ट गाड़ी की शाइनिंग तो ज़्यादा नहीं तो
25% ग्लॉसनेस भी बढ़ी गया होगा। हाँ बिल्कुल, इसका ग्लॉस बढ़ गया। एक ये है कि कहने का मतलब जैसे अपन ब्रांड न्यू कार लेते हैं ना शोरूम से, वो भी पीपीएफ कराने के बाद ब्रांड न्यू भी इसके आगे फीकी लगेगी। अभी कोई अपन नई कार लेके आएंगे तो इसके मुताबिक शाइन नहीं करेगी। पीपीएफ का एक ग्लॉस ही एक अलग है, एक मिरर लुक आ चुका है आपकी कार पे। पास से दिखाइए एक बार भी, आप भी खुद देख के फील कीजिए, मिरर लुक आ रहा है पूरा शीशे की तरह। बिल्कुल। और ये जो पैनल्स है ये आप देख सकते हो कितना हमारा वेस्टिज गया है, फिर भी हमने पूरा प्रॉपर वन पीस लिया है। और ये साइड बिडिंग भी आने चेंज करानी है, मैंने इसलिए फिटिंग नहीं किया है, अभी मैं फिट कर दूंगा। सुबह वो जो बाइक खोलेगा तो कोई निशान वगैरह ना आ जाए पीपीएफ में, तो भैया सुबह इसको मॉर्निंग में लगवाने वाले हैं क्रोम बिडिंग। ये क्रोम वाली लगेगी बिडिंग जो टॉप मॉडल में आती है। ये प्रॉपर हमने अंदर टकिंग किया है, बेशक हमने टेल लाइट्स भी नहीं खोला है, भैया ने बोला भी था इसको खोलने के लिए, बट इसके अंदर स्पेस है तो हमने अंदर टक कर दिया इसका पीपीएफ। और ये पूरा बूट आप देख सकते हो, ये पूरा वन पीस के अंदर है, कहीं से भी आपको कोई कटिंग या फिर कुछ दिखेगा नहीं। यहाँ पे अंदर टक है, इसके भी अंदर टक है, और ये भी हमने कवर किया है पीपीएफ। डोर हैंडल है, खोल दिया था, यहाँ पे कोई कट नहीं है, प्रॉपरली वन पीस के अंदर ये भी आपका पूरा सेट बैठा है। और यही सेम प्रोसेस इस साइड भी है, हमने कोई बीजिंग कोई लोगो मोनोग्राम्स हटाए नहीं है, एच टू एच कटिंग किया है। और ये आप सबसे एक फिनिशिंग यहाँ पे देखी जाती है, इस जगह फिनिशिंग नहीं मिल पाती है, आप खुद देख सकते हो एच टू एच कटिंग हुई है, कोई एक्स्ट्रा कटिंग नहीं है, पूरा प्रॉपरली विडिंग के साथ टच करके कटिंग हुई है। डोर है जो हमारे पूरे हमने अंदर फोल्ड किया हुआ है, कहीं आप डोर खोलते हो डोर लग जाता है तो डोर एजिस के यहाँ से पैंट चले जाता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो ये डोर हमने सेम इसी तरीके से यहाँ से भी फोल्ड किया हुआ है, बैक डोर दोनों साइड से अपना फोल्ड है और फ्रंट डोर आगे से फोल्ड है, ये भी हमने पूरा फोल्ड किया हुआ है। यहाँ पे हमें स्पेस नहीं मिलता है इसलिए हम यहाँ पे कटिंग करते हैं। बहुत से कस्टमर हमसे क्वेश्चन करते हैं कि सोनू यहाँ से आपने फोल्ड क्यों नहीं किया, अंदर पे फोल्डिंग के लिए हाथ प्रॉपरली चल नहीं पाता है तो कंप्लेंट्स आएगी, उस चीज़ को लेकर हम पहले ही कटिंग कर देते हैं। ये आपका फेंडर है, ये इधर से भी फोल्डिंग है, यहाँ से भी फोल्ड है, यहाँ पे अंदर टकिंग हो चुका है। बोनट है आपका और वो भी अंदर पूरा वन पीस के अंदर और चारों कॉर्नर सब अंदर टकिंग है, ये कहीं से भी हमने कट नहीं किया है, ये चीज़ आप देख सकते हो। और फ्रंट बम्पर भी पूरा कंप्लीट अच्छे से पीपीएफ हुआ है हमारा। रूफ किया है, ग्लासेस छोड़ दिया है सनरूफ का, उस पर पीपीएफ नहीं होता है, पूरा कंप्लीट किया है हमने। और साइडियो मिरर भी आपके हो चुके हैं अंदर, ये चीज़ भी हमने इसका पीपीएफ किया है। बहुत सी बार हम ही चढ़ते हैं, हमारे ही पैर के शूज़ के निशान आ जाते हैं तो यहाँ से बहुत जल्दी कलर अपना फेड हो जाता है, ये भी हमने पूरा किया है आपका। चारों डोर की पट्टियाँ लगाई है और पूरा कंप्लीट आप खुद देख सकते हो, आपको भी एक फील होगा कि गाड़ी के अंदर फिनिशिंग वाइज किस हिसाब से काम हुआ है। जैसा भी आपको लगे जरूर कमेंट्स में जरूर बताना आप लोग। अब भैया से मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। बिल्कुल, जैसे कि इतनी बड़ी ये गाड़ी है। हाँ जी। तो कितनी कॉस्ट है इस पे? बेशक देखो, जो ये हमने इंसेंट सेल्फ फिलिंग पीपीएफ जो इसके ऊपर लगाया है, इसका हमारा 68,000 प्राइसिंग है। और ऐसी बात नहीं है कि सेम प्राइसिंग है, ये कुछ छोटा मोटा डिस्काउंट भी है जो हो सकता है हम अपने क्लाइंट्स को देते हैं। अच्छा, आप ये बताइएगा जी, अगर वीडियो देखकर कोई आ रहा है और रेफरेंस दे रहा है चैनल का, तो आप क्या करेंगे? जो मेरे से बेस्ट होगा मैं करूँगा, ऐसी बात नहीं है। वीडियो देखोगे और आप मेरे पास कॉल करोगे ना, मैं पूरा पूरा आपको सपोर्ट और फुल रिगार्ड आपका रखूँगा। ऐसा नहीं है कि कोई वीडियो देख के आता है तो मैं वो नहीं करता, आपको भी पता है, आपने भी एक ब्लॉग देख के ही आए हो भी आप मेरे पास में। आपने पहले नहीं पता था कि कैसे काम होगा, आपने बोला कि बाद में देखूंगा सोनू में, और आपके सामने मैं तो यही कहता हूँ कि मेरे बारे में कुछ मैं बोलता हूँ वो चीज़ मत बोलो, आपको जैसा मेरा काम दिखता है ना वो जेन्युइनली रिव्यू दो आप। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि ऐसा नहीं है कि बोल के किसी को बता के कि भाई अच्छा काम बताना वो बताना, आपने खुद अपनी कार पीपीएफ कराई है और फिर उसके बाद आप मेरे वीडियो बना रहे हो भैया। बिल्कुल बिल्कुल। और ये चीज़ है, फिनिशिंग तो आपको दिख ही रही है, बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्वालिटी माल की मैंने आपको पहले ही चेक करा दी थी, क्या है क्या नहीं है, आप कितना भी स्क्रैचेस मार लो जल्दी से आने वाला नहीं है। बिल्कुल, ये चीज़ है। और लाइफ वगैरह 5 ईयर्स की इसकी लाइफ है, 5 साल की हम कहीं से भी एस कॉर्नर उठता है या पीपीएफ में कोई बबल आता है, पेस्टिंग में कोई प्रॉब्लम आती है, हम 5 ईयर्स के अंदर ठीक करके देते हैं आपको। और जो इसका फ्रंट बोनट है उसकी लाइफ देते हैं हम आपको 50%। वो क्या होता है कि ये डबल हीटिंग होता है, एक सनलाइट की हीटिंग से और एक अपना इंजन की हीटिंग से। जो पीपीएफ की एक सॉफ्टनेस्ट है, जो टीपीयू पीपीएफ जो खेसने फाटने से फटता नहीं है, आने वाले टाइम में ये भी हार्ड हो जाता है, फिर कागज वाला रूप इसका भी आ जाता है। जैसे जैसे हम इसको खींचेंगे फिर ये टूटने लगेगा, तो ये
काफ़ी टाइम लेगा उतरने के लिए। तो इसलिए हम यही कहना चाहते हैं, जो मैं पुरानी पिछली कार कर चुका हूँ 7-8 साल पुरानी, तो उनका PPF निकाला है, तो ये प्रॉब्लम फेस हुई है कि बोनट उतरने में काफ़ी टाइम लेता है। तो इसको 2.5 से 3 साल में चेंज कराने की सोचना, और कम गाड़ी रनिंग होती है और सिल्ट पार्किंग में खड़ी होती है, जिससे PPF कराया एक बार उसको चेक करवा दो 2 साल बाद गाड़ी, क्योंकि 19-20 कोई प्रॉब्लम हो तो वही देख के आपको बता सकता है ये चीजें। जो इस पर PPF हुई है, इसकी हम केयर कैसे रख सकते हैं? केयर देखो, बेसिकली अपना प्रिंटेड पार्ट है उससे तो नॉर्मली केयर रखना है इसका, उसमें तो फिर भी के गाड़ी के ऊपर डैश टैग कपड़ा ज्यादा सूखा मारेंगे, सॉल्स आएंगे, रबिंग करानी पड़ेगी इसके ऊपर, तो ऐसा नहीं है कोई माइनस प्लस का स्क्रैचेस भी आ गया तो एक डरने की बात नहीं है, PPF है। दूसरी बात यह है कि हल्का एक वाटर स्प्रे कर दिया, तो उससे क्या होता है, जैसे गाड़ी के ऊपर डैश है, जो गीली जो डैश हो गई है ना, वो एक लाइन में सीधी चलेगी और सूखी मिट्टी बार बार वही घूम के आएगी। हाँ, तो कभी भी बेशक मेरा तो कहना यही है कि आपके पास टाइम है और पानी है, तो डायरेक्टली पाइप लगा के पूरी डस्ट नीचे उतार दिया, माइक्रोफाइबर क्लॉथ मार के फिर गाड़ी सुखा लो, और कम पानी है, टाइम कम है अपने पास में, तो एक प्रेशर बॉटल बेसिकली जिससे हम PPF कर रहे थे वैसी बॉटल ले लीजिए प्रेशर, उसके अंदर नॉर्मली शैम्पू आप डाल के चेक करके और हल्का स्प्रे कर दिया, माइक्रोफाइबर क्लॉथ लिया और फिर सीधा सीधा करके पहुंच दिया। और कभी भी ध्यान रखना है गाड़ी पे कपड़ा मार रहे तो राउंड नहीं घुमाना, सीधा ही मारना है। सीधा ही एक बार कपड़ा लेके आना, मैं थोड़ा बता भी देता हूँ। कपड़ा हमारा ये है, एक ही कपड़े में हमारी पूरी कार साफ हो सकती है। हमने इसको साफ किया, इसके ऊपर पानी डाल दिया, डैश्ड है, ठीक है। जब तक हमें लग रहा है इस साइड में प्रॉपर पूरी डैश्ड नहीं आई है, ठीक है। जब ये गंदा हो गया तो ये साइड भी है, इस साइड के बाद में अपना ये भी है, एक ही क्लॉथ से पूरी कार हमारी साफ हो जाती है। फिर एक सेकंड क्लॉथ रखिए जिससे कहीं माइनस प्लस का कोई निशान वगैरह है तो उससे क्लीन कर सकते हो। बेसिकली आप हाथ मार के भी देख सकते हो, जो पैंट सरफेस एरिया होता है उससे स्मूथ हो गया है। और एक क्वेश्चन आपका था कि गाड़ी डस्ट नहीं पकड़ेगी, डस्ट गाड़ी भैया पकड़ती नहीं है, डस्ट खुद आके रुकती है। इस टाइम ये गाड़ी ग्लॉस कर रही है, शाइन कर रही है, जो चीज़ चमकती है उस पर एक भी डस्ट का दाना या कुछ भी, अब मैं हाथ भी लगा दूंगा तो उसका भी निशान आपको दिखाई देगा। पीछे एग्जांपल सेम आपके मैंने दिखाया, मेरी स्विफ्ट खड़ी है सिल्वर कलर की, जो पूरी सिल्वर है और उसका जो रूफ है वो ब्लैक है, तो पूरी बॉडी के ऊपर अपने को डस्ट नहीं दिख रहा है पर ब्लैक पैनल पे डैश दिख रही है, तो ब्लैक पे डैश ज्यादा विजिबल होती है बेसिकली, और कलर के ऊपर अपन को नहीं दिखता, तो अपना माइंड सेटअप ये बैठा हुआ है कि ब्लैक कलर डैश खींचता है, ऐसा कुछ नहीं है, सारा कलर एक जैसे ही है पर डैश और कलर पे दिखता नहीं है और ब्लैक पे दिखता है। और सेम पोजिशन PPF की भी एक ऐसी है, काफी क्लाइंट्स मेरे से ये क्वेश्चन करते हैं कि सोनू येलो पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। PPF कोई भी ब्रांड कोई भी कंपनी कितना भी महंगा सा महंगा आप ले लीजिए, बट वो येलो पड़ेगा, डार्क कलर पे एक फील नहीं होता है और व्हाइट कलर पे 1 ईयर के बाद में पल व्हाइट वो दिखने लगता है। तो ये चीज है, ये PPF की कंप्लेंट नहीं है, जो PPF के अंदर जो एडेशिव जो गमिंग होती है ना, वो सनलाइट के अकॉर्डिंग वो पीला पड़ जाता है, पन्नी पीली नहीं पड़ती है, उसकी गमिंग का वो पीलेपन का निशान आपको दिखने लग जाता है। एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिएगा। बिल्कुल जी, कुछ लोग कार लेते हैं और उसके बाद में 1-2 साल बाद वो PPF कराते हैं, लेकिन उनका मन जो है PPF कराने का शुरू से ही है, बिल्कुल, तो उनको उसी टाइम कराना चाहिए फिर वेट करना चाहिए? अब मैं बताता हूँ, देखो PPF कराने का आपने कभी भी सोचा है अपनी माइंड में तो प्लस अभी कार शोरूम से नहीं ली है ना, तो शोरूम से लेते के साथ ही दूसरा काम PPF का होना चाहिए। बहुत सी बार क्या होता है कि हम अपने शोरूम से निकाल के गाड़ी ले जा रहे हैं तो भी कोई ऑटो ई रिक्शा वाला लग गया, चलो मान लिया कि हमने गाड़ी सेफ ले गए, हम बहुत सी बार ऐसा होता है गाड़ी लेके हम घूमने के लिए चले जाते हैं, अब घूमने हम जा रहे हैं जो लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, हमसे गाड़ी जो तेज अपने आगे जो चल रही है उनके टायर की ग्रिप से छोटे छोटे स्टोन जो उछलते हैं अपनी बॉडी पे लगते हैं, वो पैंट को डैमेज कर देते हैं, कहीं भी लगेगा आपकी कार में स्टोन नहीं है ये तो बहुत, जो कार पुरानी आपने बोला कि समथिंग 1200 किलोमीटर चली है तो इसमें इतनी रनिंग नहीं की तो इतना वो नहीं है, तो वो पैंट को डैमेज कर देता है। और वो ये कि फिर बाद में कुछ टाइम यूज करने के बाद में अपन PPF कराते हैं तो हमें पैंट करेक्शन करना पड़ता है, और पैंट करेक्शन कितना भी हम कुछ भी बोल लें, हम वो प्रोडक्ट यूज करते हैं ये करते हैं, उसमें क्या होता है पैंट की मात्रा काटी जाती है, जो सॉल्स आ जाते हैं, ऐसा तो नहीं है वो कोई हीटिंग मार के सेल्फ फिलिंग हो जाएगा, जब पैंट सरफेस एरिया पे सॉल्स आते हैं तो हमें रबिंग कंपाउंड चला के उनको घिसा जाता है, जब वो घिसता है तो पैंट की जो थिकनेस है वो कम होती है। तो मेरा यही कहना है जो ये प्रोसेस जो बफिंग का पैंट करेक्शन का ये सब ना हो, जो PPF करने वाला बंदा है उसको भी थोड़ी ही सुविधा होगी जो नई कार पे PPF करने में, और फिनिशिंग भी आएगी। ऐसा नहीं है जो एस कॉर्नर होते हैं जब पुरानी कार पे हम PPF कराते हैं डस्ट लीक घुस जाती है इनके अंदर, और हम कितना भी डिटेलिंग से वॉश कर लें वो प्रॉपर मिट्टी नहीं निकल पाती, फिर वो ये किसी ना किसी पैनल्स में डस्ट आती रहती है। अच्छा काम फिनिशिंग वाला, और गाड़ी को विदाउट बफिंग कराए PPF कराना चाहते हो तो गाड़ी लेते के साथ दूसरा काम PPF पैंट प्रोटेक्शन फिल्म की एप्लीकेशन ही होना चाहिए भैया। अच्छा, PPF करानी है तो आना कहाँ है?
आना विशक, आज मेरे दो आउटलेट्स हैं, पहले तो मेरा एक भी नहीं था, मैं फ्रीलांसिंग काम करता था। विशकली मेरा एक्सपीरियंस तो 11 साल का है, एक तो मेरा ये दिल्ली अपना मायापुरी और एक अपना फरीदाबाद, जो आपको नियर बाई नज़दीक होता है आप मेरे को कॉल कीजिए और वहाँ भी मैं बैठता हूँ, यहाँ भी मैं बैठता हूँ, जहाँ आप बुलाओगे मैं आपको वहाँ मिलूँगा। ये चीज़ है भैया का कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूंगा। और आपको अदर्स मेरा पहले के वीडियो देखने हैं तो मेरा खुद का मेरा पीपीएफ के नाम से यूट्यूब का चैनल है, काफ़ी पुरानी 8-7 साल पुरानी भी आपको वीडियो मिल जाएगी। और ऑलमोस्ट जो इंडिया के अंदर जितनी भी कारें चलती है आपकी सारी कार हमने कर रखी है, इंस्टा पे भी है मेरा पीपीएफ के नाम से और यूट्यूब पे भी है। वीडियो तो कम डालता हूँ बट ये है कि डालता रहता हूँ, हफ्ते 10 दिन के अंदर सारी कार डाल रखी है। आपको लैम्बो फरारी भी देखने के लिए मिल जाएगी वहाँ पे, जो अपने हाथ से हमने पीपीएफ की है। ये चीज़ें, थैंक यू सो मच, वेलकम भैया। मैं आपको 100% रिकमेंड करता हूँ, आप भैया को कॉन्टैक्ट करिएगा और यदि आपके कोई भी सवाल हैं, कोई भी सुझाव हैं तो भैया आपको टाइम निकाल के नहीं बिल्कुल भैया, देखो मैं ये नहीं कहता कोई किसी भाई को मेरे से पीपीएफ कराना है तो ही मेरे को कॉलिंग करो, आप दूर से हो कहीं से भी हो मेरे से राय भी ले सकते हो, गाइडलाइन भी ले सकते हो कि सोनू भैया किस क्वालिटी का क्या है, कब पीपीएफ कराना है, कैसे, या पीपीएफ की जानकारी कैसे लें, टीपीयू है टीपीएच है, आप जैसे मर्जी कुछ भी पूछना वो मेरा काम है, मैं आपको पूरी सर्विस दूंगा कॉलिंग पे भी। ये चीज़ है, मिलते हैं आपसे ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस में। जय हिंद, वंदे मातरम।